रिसेंटली किसी ने मुझे ये वीडियो भेजकर इसके पीछे की फिजिक्स समझाने के लिए कहा, तो चलो शुरू करते हैं। इस आदमी के पानी में कूदने से पहले ये पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही ये पानी में कूदा तो पानी के अंदर एक कैविटी बन गई और उस कैविटी को भरने के लिए चारों तरफ से पानी बहुत ज्यादा ताकत के साथ आता है और यही ताकत इस बॉल को ऊपर की तरफ धकेल देती है। अब जो चीज यहाँ पर सबसे जरूरी है वो है बॉल को छोड़ने की टाइमिंग। अगर टाइमिंग सही हो गई तो हर बार आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। पानी में तैरती हुई चीजों पर पानी के द्वारा लगाई जाने वाली ताकत को क्या कहते हैं?